नमस्कार दोस्तों, नौकरी जानकारी यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जल विभाग में बहुत ही बड़ी भर्ती निकल चुकी है। अगर आप चाहते हैं जलदाय विभाग में नौकरी करना तो आपके पास एक बहुत ही अच्छा मौका है। जलदाय विभाग में सीधी भर्ती 2021 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। योग्यता के बारे में बात करें तो दोस्तों, इस भर्ती के अंदर केवल आपसे 10वीं पास योग्यता मांगी गई है और बहुत ही बड़ी भर्ती आपके लिए रहने वाली है। अगर पोस्ट के बारे में बात करें तो नलकूप चालक की पोस्ट यानी आपको मिल रही है। सैलरी आप देख सकते हैं, आपको 19,900 रुपये तक प्रतिमाह इस भर्ती में सैलरी मिलने वाली है। तो दोस्तों, चाहते हैं जल विभाग में नौकरी करना तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। पूरा डिटेल से आपको बताएंगे कि जलदाय विभाग में आपका सिलेक्शन किस तरह से होगा, आवेदन फीस के बारे में भी हम बात करेंगे। इसी के साथ हम बताएंगे आवेदन कब से शुरू हो रहे हैं और जलदाय विभाग भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि के बारे में बात करेंगे और आयु सीमा के बारे में भी हम इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल नौकरी जानकारी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम बात कर लेते हैं नल विभाग भर्ती निकली है उसके अंदर देखिएगा आपकी जो फॉर्म फीस है वो देखिएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 1000 फॉर्म फीस आपके लिए रहने वाली है। इसी के साथ यहाँ पे देखिएगा शेड्यूल कॉस्ट कैटेगरी के लिए 250 रुपये रहने वाली है। एक्स सर्विसमैन के लिए 200 रुपये फॉर्म फीस है। यहाँ पे पर्सन विथ डिसेबिलिटी के लिए यहाँ पे 500 रुपये रहने वाली है। बैकवर्ड क्लास के लिए 250 और यहाँ पे देखिएगा EWS कैंडिडेट के लिए 250 रुपये फॉर्म फीस रहने वाली है। जैसे दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिएगा आपको डिटेल से बता दिया जाएगा कितने आपको पोस्ट मिल रही है और किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट मिल रही है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं जो पोस्ट कौन कौन सी मिल रही है। एक नंबर पर आपको जो भर्ती मिल रही है वो कंपनी सेक्रेटरी की मिल रही है। दूसरे नंबर पर जो पोस्ट है वो देखिएगा ट्यूबवेल ऑपरेटर की आपको पोस्ट मिल रही है। इसी के साथ नीचे चलते हैं, नीचे देखिएगा आपको इलेक्ट्रिशियन की भी यहाँ पर पोस्ट मिल रही है। तो बताएंगे कुछ का आपके लिए क्या योग्यता रखी गई है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिएगा नीचे योग्यता के बारे में भी आप देख सकते हैं क्या कुछ रहने वाली है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी सेक्रेटरी की, ग्रुप ए पोस्ट में है। यहाँ पर देखिएगा जो आपका क्वालिफिकेशन है वो क्या रखा गया है। यहाँ पे देखिएगा आपसे डिग्री मांगी गई है और इसी के साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कंपनी सेक्रेटरी का। नीचे चलते हैं, यहाँ पे देखिएगा ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए क्या कुछ रखी गई है। तो यहाँ पे देखिएगा ट्यूबवेल ऑपरेटर की ग्रुप सी के तहत यहाँ पे वैकेंसी है। यहाँ पे पे मेट्रिक आप देख सकते हैं लेवल 2 के तहत 5,200 रुपये से लेकर 20,200 रहेगा और आपका जो सैलरी 19,900 रुपये रहेगा। इसी के साथ आपसे यहाँ पे पंजाबी भाषा में मेट्रिक मांगी गई है। इसी के साथ आपके पास 2 साल की ITI होनी चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से। इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट आपको मिल रही है 19,900 से ले रहेगी और इसमें भी आपके पास मैट्रिक होनी चाहिए और 2 साल का ITI का कोर्स होना चाहिए। नीचे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे पूरा आपको डिटेल से बताया गया है। अगर आपको चाहिए इस नोटिफिकेशन की PDF फाइल तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इस PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म भरने की डेट के बारे में स्टार्ट करें तो यहाँ पे देखिए 21 फरवरी 2021 से इस भर्ती के फॉर्म वो स्टार्ट हो चुके हैं। और आप देखिएगा अंतिम तिथि के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिएगा यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है 21 फरवरी 2021 को और 22 फरवरी 2021 से इस भर्ती के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और आप 14 मार्च 2021 तक आप इस भर्ती में अपना आवेदन कर सकते हैं और 15 मार्च 2021 तक आप इस भर्ती का ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल नौकरी जानकारी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको बता दूँ कि यहाँ पर देखिएगा पंजाब गवर्नमेंट इंटरव्यू अंडर ग्रह, यहाँ पे देखिएगा जो वैकेंसी नंबर है वो आप देख सकते हैं पंजाब राज्य के अंदर आपकी ये वैकेंसीज निकली है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।